आज हम देखेंगे पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में नीचे दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस करें। पिज़्ज़ा सॉस बनाने के लिए एक बर्तन में नमक और पानी डालकर उसे बॉईल करेंगे। फिर लेंगे 4 टमाटर, उन्हें एक्स शेप में काटना है और बॉईल करना है। टमाटर को बॉईल होने में कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी स्किन बाहर निकल आ रही है, मतलब ये टमाटर अच्छे से बॉईल हो चुके हैं। अब इन्हें हम गर्म पानी से निकालेंगे और ठंडे पानी में डालेंगे। फिर इसकी जो स्किन है उसे हम पील करेंगे और इसे मिक्सर में डालकर इसकी प्यूरी बनाएंगे। पैन को मीडियम फ्लेम पर रखें, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल, 1 बड़े साइज का प्याज बारीक कट कर डालेंगे, 1 मिनट तक सौते करेंगे। फिर डालेंगे 4 से 5 बारीक कटी हुई लहसुन की कलियां। फिर उसमें डालेंगे हमने बनाई हुई टमेटो प्यूरे, 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। फिर डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक, चीनी 1 टीस्पून, मिक्स्ड हर्ब्स 1/4 टीस्पून और विनीगर 1 टीस्पून। विनीगर से इस सॉस को आप 4 से 5 दिन के लिए प्रिजर्व कर सकते हैं। इसे हमें थिक होने तक पकाना है। अब ये थिक हो चुका है, इसे अब थोड़ा ठंडा होने देंगे। फिर इसे एयरटाइट कंटेनर में डालकर 4 से 5 दिन के लिए हम आराम से रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। पिज़्ज़ा सॉस बनकर तैयार है।